वेलकम बैक टू क्रिएटिव मैं संध्या। मैं आपका संध्या हूँ और एक रेसिपी के साथ आपका सामने आ गया हूँ। आज का रेसिपी है क्रिस्पी कॉर्न। जब भी हम घर में स्वीट कॉर्न लेके आते हैं, ये ठंडी ठंडी बारिश का मौसम में क्रंची स्वीट कॉर्न क्रिस्पी बना दीजिए, अच्छे से खा लीजिए, एंजॉय कर दीजिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट को रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। एक ग्लास पानी लिया था, उसमें एक कटोरी स्वीट कॉर्न डाल दीजिए। उसको 5 मिनट बॉईल होने दीजिए। 5 मिनट के बाद एक स्ट्रेनर की मदद से पूरा पानी निकाल दीजिए। अभी उसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। स्वाद का अनुसार साल्ट डाल दीजिए। 1 स्पून मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। 1 स्पून चाट मसाला डाल दीजिए। अभी अच्छे से मिला दीजिए। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तभी 1 स्पून तक पानी डाल सकते हो। अभी तेल गर्म करेंगे। तेल तो मीडियम फ्लेम में ही होना चाहिए। अगर गलती से हाई फ्लेम में डाल दिया तभी स्वीट कॉर्न ऊपर आ जाता है चिटचिट करके, इसलिए ही पहले ही आपके पास ढक्कन रख दीजिए। अभी क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने के बाद अच्छे से गरम गरम सर्व कर दीजिए, एंजॉय कर दीजिए। ऐसे ही मीडियम फ्लेम में ही दूसरा बैच भी डाल दीजिए। अगर ये रेसिपी पसंद आई प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।